ली, तुझे आज सुबह 5 बजे तक उठना है, कुछ भी करके शाम 5 बजे। जल्दी निकलते हैं, आरती के लिए जोत तैयार करनी है। चलो, कम से कम टाइम पे आंख तो खुल गई। 5 मिनट और सो जाती। नहीं, लवली, उठो। ओए होए, बड़ी भाभी लेट शेट तो नहीं हो गए ना? नहीं नहीं, समय पर है। अब लवली तो आज पूजा में नहीं आएगी ना भाभी? मॉम जी ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा है ताकि कल की वीकनेस खत्म हो जाए। ओए होए, मम्मी जी आ गई। आरती की थाल दो। लवली जल्दी कर, आरती शुरू से पहले पहुंचना है कैसे भी करके। ओए होए, वेरी गुड जी। गहना बहू जी, हमने तो कार्तिक की पत्नी को कहा था कि आज आराम करे, कल से वो पूजा में आ सकती है, फिर आज क्यों आ गई? वो रात को मैंने खाना खा लिया था, दवा भी ले ली थी और रेस्ट भी हो गया था, इसलिए अब मैं ठीक हूँ। प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। रिया बहू, कार्तिक की पत्नी को बोलो कि वो आरती उतार ले, क्योंकि उसका पहला दिन है तो उसे ये सब करना चाहिए। जी। थाली पकड़ो, उसे राइट से लेफ्ट ऐसे घुमा के आरती निकाल दे। लवली, वे नॉट इन अ हरी। हाँ, आराम से, धीरे से करो। जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ये नहीं खाते। देखा आपने, लवली भी एक अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही है। अरे कभी कभी शाबाशी भी दे दिया करिए। साहब, हमारी चारों बहुएं पूरे साल 365 दिन काम करती हैं और वो भी बिना गलती किए। इसने तो अभी अभी शुरू किया है और वो भी इतनी सारी गलतियों के साथ। अरे तो क्या हुआ, गलती करके ही सही उसने सीखा तो। हाँ साहब, हम जानते हैं। अभी जो वो काम कर रही है ना, वो जिंदगी भर करना है उसको। और एक दिन में उसने ऐसा कुछ काम नहीं किया कि जिसके लिए हम उसकी तारीफ करें। हाँ, जब वो सभी कामों में निपुण हो जाएगी और हमें संतुष्ट करेगी, तब हम उसे शाबाशी जरूर देंगे। वो समय कभी नहीं आएगा। क्या कहा? नहीं कहा। साहब, आज आपको दुकान पर नहीं जाना है क्या? जाना है, जाना है। गहना बहू जी। माँ साहब, आप सब लोगों को पता है ना, मोहल्ले में जो माता की पूजा रखी है उसमें हम सबको जाना है। जी। और आज सारी बहुएं साड़ियां पहनेंगी। रिया बहू जी, लवली को साड़ी पहना देना। क्या मैं सलवार कमीज नहीं पहन सकती? नहीं, हमारे यहाँ शादीशुदा बिंदनियाँ पूजा में साड़ी ही पहनती हैं। अब गहना भाभी, मैं आपकी बात नहीं काट रही हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि निम्मी भाभी तो साड़ी नहीं पहनती। गहना बहू, कार्तिक की पत्नी से कह दो कि निम्मी बहू पंजाबी है और ये उसका पारंपरिक पहनावा है। लेकिन मासा, रूल्स तो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए ना। निम्मी भाभी, आई एम रियली सॉरी। मैं ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि साड़ी में ना मैं कंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं करूंगी और मेरे पास साड़ी भी तो नहीं है। कोई गल नहीं, ठीक है जी। नहीं निम्मी, लवली तुम साड़ी ही पहनोगी। रिया, अपनी कोई एक साड़ी लवली को दे दो। जी चलो। अब कौन सा कलर पसंद है तुम्हें? अब भाभी, आपको जो कलर पसंद है ना, मैं वो पहन लूंगी। भाभी, ये जीन्स किसकी है? मेरी है, लेकिन अब मैं नहीं पहनती। इट्स नॉट अलाउड हियर ना। पर तुम्हें पता है, लंदन में मैं सिर्फ जीन्स और टॉप्स ही पहनती थी। सबसे कंफर्टेबल ड्रेस है। भाभी, जब आपको ये इतनी पसंद है तो आप पहना कीजिए ना। अब I mean, जब मासा आसपास ना हो ना, तब एक काम कीजिए, आप ही पहन के दिखाइए अभी। नहीं लवली, अगर मॉम जी को पता चलेगा तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं एक चीज तो कर सकती हूँ। लग रही हो कितने सुंदर। आई नो यू नो कभी कभी तो लगता है कि मौका मिलते ही मैं ये सब फिर से पहनूं। मैंने आदि के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन और क्या करती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा ओ, वी आर गेटिंग लेट लवली, तुम्हें साड़ी बांधनी तो आती नहीं होगी। डोंट वरी, मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मैं तुम्हें डेमो देखकर सिखा दूंगी। ओके अभी देखो, समझ में आ गया ना? हाँ ऑफ कोर्स, एक बार मैं किसी को कुछ समझा दूं ना तो बिल्कुल क्लियर ही हो जाता है। अच्छा लवली, ये तुम लेकर अपने कमरे में रेडी हो जाओगी ना? एक्चुअली मैं तुम्हें खुद ही तैयार कर दी थी, पर मुझे भी तो रेडी होना है। अब तुम भी जाओ। हाँ, हाँ। तैयार हो गए तुम लोग? हाँ जी। लवली कहाँ है? रिया, मैंने तो उसे साड़ी दे दिया था, वो बस आती ही होगी। लवली, तू अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है ना? सच बात तो ये है, मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। रिया भाभी ने कितना समझाया था, उस समय बड़ी हाँ हाँ किए जा रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं गुस्सा। अगर मासा ने मुझे ऐसे देख लिया ना तो फिर से बहुत गुस्सा हो जाएंगी। ये साड़ी पहनना किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। पता नहीं कैसे बांधते हैं, कैसे। देर भी हो रही है। मेरे से नहीं होने वाला, किसी भाभी के पास जाती हूँ, उनसे हेल्प लेती हूँ। तुम लोग तैयार हो गए? हाँ जी मम्मी जी। कार्तिक की पत्नी कहाँ है? मॉम जी, वो बस आती ही होगी। कार्तिक, जी मां, अपनी पत्नी से बोलो कि हम लोग पूजा के लिए जा रहे हैं, वो जल्दी से तैयार होकर के आ जाए। जी मां, मैं अभी बोलता हूँ। I'll call you back. चलो। लवली, तुम यहाँ ऐसे कहाँ घूम रही हो घर में? कार्तिक, मुझसे साड़ी पहनी नहीं जा रही है। मैं देख रही थी कोई भाभी मिल जाए तो उनसे हेल्प ले लूंगी। भाभियां माँ के साथ गई, उन्होंने तुम्हें भी जल्दी आने के लिए कहा है। मैं साड़ी कैसे पहनूंगी, मुझे पहननी नहीं आती। लेकिन अगर तुम्हें साड़ी पहनने नहीं आती तो तुम रिया भाभी की हेल्प ले ली थी, तुमने क्यों नहीं ली? हेल्प ली थी, मुझे लगा मैं खुद कर लूंगी, लेकिन चलो। अरे रुको, क्या है इसका, कुछ करो ना। मैं कैसे करूं कार्तिक, तुम मेरी हेल्प करो। अरे मैं कैसे हेल्प करूं, ये सब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने किसी को साड़ी बांधते हुए भी नहीं देखा है। कार्तिक ट्राई करो ना, हो जाएगा, हो जाएगा प्लीज। अच्छा रुको, इसको ऐसे करके अंदर डाल दो। हाँ लो, हो गया ना, हो गया। कार्तिक साड़ी बांधने का कोई और तरीका नहीं होता है क्या? मुझे क्या पता, अब क्या ये भी सीखना पड़ेगा मुझे साड़ी बांधना? नहीं, ये बहुत खराब लग रही है, कितनी ऊंची है। ये लो सब डाल दो। ये क्या गिर गया, कुछ गिर गया है कहाँ से? पल्ला है, पल्ला। हाँ, पल्ला पिन अप कर दो। हो गया ना, वेरी नाइस। कार्तिक मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, और पिन ठीक से लग गया है ना? ठीक से लग गया है, और बाकी साड़ी ठीक से बंधी है या नहीं? लेकिन साड़ी में तुम लग बहुत खूबसूरत रही हो। पूजा के लिए जाना है ना। शादी के बाद ये सब कुछ भी करना पड़ता है, पता ही नहीं था। अरे काकी सा पधारो, आवो 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 आवो। घणी खमा काकी सा, खम्बा आपकी नई विननी कट है, सारी मोहल्ले के लुगाइयों को मिलनो है, देखनो है। हाँ वो थोड़ी देर में आती ही होगी आरती। अरे तो क्या हो गया, हम इंतजार कर लेंगे। क्यों री? एक बात तो माननी पड़ेगी, दुनिया इधर से उधर हो जावे पर बिंदेश्वरी भाभी और उनकी बिंदनिया एक मिनट भी देरी ना करती। सोचूं कि काकी सा ने अपनी चारों बहुओं को तो एकदम अपने सांचे में फिटोफिट कर रखा है, लेकिन ये पांचवी की लीला तो देवी माँ ही जाने। हाँ एक बात कहूं काकी सा, मारे को कतई ना लगे कि आपकी ये पांचवी बहू समय की कभी पाबंद हो पावेगी। हाँ लवली कहाँ रह गई? मैं जाकर देखती हूँ। मैं यहाँ हूँ। तो साड़ी भी पहननी नहीं आती। रिया, रिया इसकी प्लीट्स तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने तो इसे साड़ी बांधनी सिखाई थी, पर जाके उसे फिर से बताओ, ऐसे तो वो गिर जाएगी। मेरी तरफ देखेगी तभी तो बताऊंगी ना। छोरी हमारी नाक कटवा के ही छोड़ेगी। थैंक्स भाभी। अरे भाई नवी बींदड़ी का के कसूर, इतने बड़े घर की छोरी जो ठहरी। अब कभी भी साड़ी पहनी ना होगी तो जब पहली बार पहनेगी तो पाँव तो लड़खड़ाएगा ना। है कि नहीं? मिसेस कौशिक की ये पांचवी बहू ना इन चारों बहुओं के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। हम लोग पूजा के स्थान पर आगे बढ़े ताकि समय पर पूजा शुरू हो सके। वैसे हम यहाँ पर पूजा के लिए इकट्ठे हुए हैं ना? हाँ हाँ, पूजा के लिए। चलो काकी साहब, आओ आओ आओ। लवली, ये क्या है? भाभी आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आप सबको इतना एम्बैरसमेंट फील हुआ। वो मैं साड़ी ऐसे उल्टी पुल्टी बांध कर आ गई और गिरने से भी दो बार बची। लेकिन लवली मैंने तो तुम्हें समझाया था ना कि साड़ी कैसे पहनते। मगर मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। रिया हाँ, वो सब अभी तो छोड़, अभी जल्दी से इसको साड़ी पहना दे, हमें पूजा में पहुंचना है। हाँ ओके। ठीक है भाभी, वही पल्लू पल्लू प्लीज। ओ हाँ हाँ, अब ठीक है। अब रुको, पूजा खत्म होने तक सर इसी तरह ढके रहना, ठीक है? आरती हाँ, माता की पूजा रख ली है और उन पर हार बासी फूलों का चढ़ाया है। जाओ जल्दी से ताजे फूलों का हार मंगवाओ। और ये इतने से लड्डू, अरे पूरे मोहल्ले को बुलाया है तो प्रसाद इतना तो होना चाहिए ना कि सबको अच्छे से बांट सके। अरे काकी साहब ये सब तो जल्दी जल्दी में हो गयो है, इस दफा चला लियो, अगली दफा मैं एकदम अच्छे से करूंगी। हाँ आरती, अगली दफा कभी भी नहीं आएगी और तुम अच्छे से जानती हो कि भगवान की पूजा में हमें कोई भी समझौता पसंद नहीं है। जाओ जल्दी से मंगाओ। आरती काकी सा ठीक ही तो कह रही हैं, जो वो कह रही है वही करो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और हाँ, वो प्रसाद के लिए थोड़े से फल और मंगा लेना। अरे ओ कमली आ इधर आ। जे ले पैसो, एक अच्छी सी फूल माला ताजी और 1 किलो लड्डू बूंदी के, 1 दर्जन केला और 1 किलो नाशपाती और फल लेकर आ। हाँ जा जा और जल्दी आना। हाँ ये तो ऐसे मुझसे बात कर रही है जैसे कि मैं उसकी बिंदनी हूँ और ये पूजा मोहल्ले में ना बल्कि उसके घर में हो। हाँ पूरे मोहल्ले की लुगाई आई, किसी ने मारे को कुछ बोला ना, लेकिन जी मारे को बोले जा रही है बोले जा रही है। कब आएगी मुई? आ जावेगी आ जावेगी काकी सा। अरे हाँ आ गई, रख दो सब। हाँ लगाओ ये सब। पंडित जी जाइए ये माला वहाँ चढ़ा दीजिए। आरती सारे कुछ पैसों बचो कि नहीं? आरती हाँ रखती होगा किसा। अब तो चोखो है कि नहीं का किसा है? अब क्या हो गयो का किसा, इतना समय हो गयो, आपकी बिंदड़ियाँ कहाँ है? हाँ हम आ गए मासा। वाह भाभी साहब, आपकी बिंदनी तो सुंदर है और साड़ी में तो और खूबसूरत लग रही है। अरे का किसा के सोच में पड़ गई? अब नहीं, कुछ नहीं। तुम लोग आओ, इधर आके बैठ जाओ। काकी सा, आपकी बिंदुड़ियाँ तो बहुत सुंदर हैं। ये तो सैकड़ों में एक है। कुछ समय पहले तक तो हमें भी यही लगता था, लेकिन इस छोरी के आने के बाद से सब कुछ बदल गया है। इसे थोड़ी सी ऊपर खींच लूं तो बैठने में आसानी होगी। इसे थोड़ी सी ऊपर खींच लूं तो बैठने में आसानी होगी। मुझे लगा बैठने के लिए साई उठा लेती हूँ। मैं समझाती हूँ। जैसे मैं बैठी हूँ ना, वैसे ही बैठो। देखो मुझे। अच्छा वो मामा जी ने नहीं देखा, वरना हमें और डांट पड़ती। ओए सिमरन, बस भी कर, हो गया ना, पूजा शुरू होने वाली है। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद तभूमि गुम सर्वतस्तित्वा ततिष्ठत् दशांगुलम मा पुरुखे वेद गुम सर्वं यद्भूतं यत्स्वभाव्यं मा उतामृतस्येषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा। तो ये कौन सी पूजा है? हमें कुछ करना होगा इसमें क्या? लवली, चुप करके बैठो और पूजा ना दो, बाद में सब पता चल जाएगा। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी वजह से हम सब डिस्टर्ब हो रहे। ठीक से बैठो। भाभी, इस साड़ी में फर्स्ट टाइम बैठी हूँ ना, इसलिए इतना अनकंफर्टेबल फील हो। थोड़े टाइम के लिए तो एडजस्ट कर सकती हो ना। ठीक से बैठो। ताली बजा। इसे बोलो आराम से बैठो। जी। सुना तुमने? इन दोनों को मना। प्लीज लवली, ठीक से बैठो। लवली, क्या कर रही हो तुम? लवली, ठीक ढंग से बैठो, तुम सबको परेशान कर रही हो।